होना मुस्... जरूरी है मुसलमान होना जरूरी है जो कुरान में बगैर इल्म के बात करे वो अपना ठिकाना में करें और भी सारे इकट्ठे हो गए वो अकेला हो गया वो मजलूम बन गया इसलिए वो हक पर है ये सारे जो है ना ब... दुकानें बंद हो रही हैं वो बल बायदा वीडियो के अंदर आपका वो क्लिप भी चलाता है कि देखें जी ये तो चिश्ती रसोल्ला का दिफा करते हैं कि हजरत मेरे माविया रदी अल्लाह ने अपनी जब अमारत में थे

तो ये कहना कि मैं इसमें मेरा मौके मुनफरद है ये तो बात दुरुस्त नहीं है बस कुछ मुबालगात होते हैं आपने कुछ मेरे हवाले से भी कोई बात जो की है मैं ज़हर मैं उसी बात का पाबंद हूँ और बिल्कुल जिम्मेदार हूँ जो मैंने अपनी जबान से कही हुई है इसी सिलसिले में फिर मीटिंग में हमारी हुई वहाँ जहर टॉन फिज़ान मदीना के अंदर ओलमा की मौजूदगी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी ये पूरी रिकॉर्डिंग जो ग्यारह मिनट की थी वहाँ मुफ्ती ने कराम ने सुनी और सुनने के बाद ये फ़ैसला दिया कि डॉक्टर साहब की जो स्टेटमेंट है ना ग्यारह मिनट के अंदर ये वाज बोली जाना है असल दोस्तों अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ही नहीं किया अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को शेयर करें बसमिल्लर अल्हदिल्ल रबालमीन वसलात वसलम अला सदबिया इबरसैली अम्माद फ़ारउबिल्लिमिन शयन बसमिल्लर जा अल्क व ज़ाक अलबातिलबातिल का ना जहूका असलम नाजरिन कराम उम्मीदें आप सब खैरियत से होंगे जब जब फ़ितनों ने इस्लाम को नुकसान पहुँचाने के लिए अपना सर उठाया है तब तब अल्लाह रबालमीन ने ऐसे अशासा को मैदान में लाजमी उतारा है जो उन फ़ितनों की सर कर सकें यकी मिर्ज़ा मोहम्मद अंजीनियर इस दौर का फ़ितना अजीम है और बहुत सारी आवाज़ें मैदान में, में उसके खिलाफ हक को आम करने के लिए हमें सुनाई देती हैं लेकिन इन में सबसे तोाना आवाज़ जो है वह है मुफ्ती राशिद महमूद रिजवी साहब की आज हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं आइन से कुछ सवाल का सिलसिला करते हैं हमारे साथ रहिएगा अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब वालेकुम अस्सलाम वाले जरूर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया आपकी आप हमें आपकी मसरूफ़ीत का अंदाज़ा है लेकिन उसके बावजूद आपने बड़ी मोहब्बत दी इसका अगर आपकी इजाजत हो तो हम सवाल शुरू करते हैं करें। आज हम आपके पास जो है मिर्जा के स्टूडेंट्स के जो है वो सवाल आपके बारगाह में हम रखेंगे जी जी. पहला सवाल ये है कि हजूर जो फिर वाली हदीस है मिर्जा की तरफ से कहा जाता है कि ये जयीफ हदीस है और जो मोलवी है वो जयीफ हदीस को लेकर अपनी जो फिरकाबाजी करते हैं इस वाले से आप क्या कहते हैं बिस्मान देखिए जहाँ तक इस हदीस का ताल्लुक है जी। और मिर्जा जेलमी के अपने मौके का है, तो मिर्जा जेलमी ने इस हदीस के हवाले से भी अपने कई समझे के पैंतरे बदले हैं सही। किसी जगह पे इस हदीस को सही माना है किसी जगह पे इसको माना है मैंने वो सारे जी जी। के क्लिप्स चला के उसको सारे को कवर किया है किसी जगह पे सही मानता है किसी जगह पे यही मानता है तो मुख्त मुख्तर ये की ये हदीस बिलकुल सही है और मतदद तुर के साथ ये तकरीबन नबी करीम असरा के दर्जन से जायद सक्राम अलहमरदवान से आह सन्त की जो मरूफ किताबें हैं मशहूर किताबें है उनके किताब अंदर ये सेहत के साथ सनत के साथ मौजूद है सुन अबी दऊद के अंदर सुनन इबन माजा के अंदर जामत तिरमजी के अंदर और अलमोसदान के अंदर तकरीबन दर्जनों किताबों के अंदर दर्जन से जायद सदवान से यह हदीस कुत्ब हदीस में मरवी है इस हवाले से मिर्जा जिलमी कुछ धोखे देने की कोशिश करता है जो मैं पहले रिकॉर्ड भी करवा चुका हूँ और समझने के एक अजीब किस्म की बात करता है जिसको मैं कहूँ के बौगी मारता है कहता हदीस के अंदर जिक्र नहीं है, के है। और गिरोह का लफ्ज अरबी का लफ्ज नहीं है ये फारसी का लफ्ज है उर्दू में भी इस्तेमाल होता है गिरोह का लफ्ज कहा में आ गया हदीस में तो अरबी का लफ्ज है और हदीस से जो हमें लफ्ज मिलता है और उससे फिरका ही मुराद है कि एक फिर फिरके का इतलाक उस पर हुआ है और हदीस की किताबों के अंदर जैसे कि इमाम तबरानी की अल मुजजुब अल के अंदर और अल मुसदर के अंदर जिक्र और किताबों के अंदर फिरके का लफ्ज भी इस्तेमाल हुआ हदीस का मजमून यह है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला 60 व 70 मिलला खबरदार तुम से जो मिल्तें थीं वो 72 फिरकों में बट गई वह इन तारीख से ही फिर मुस्त होता है फिर निकलता है जी। तो में, है आन करीब मेरी उम्मत में बट जाएगी सिंतानी हिदतुन से बहत्तर जहन में और एक जन्नत में एक क्या एक जन्नत में कौन फिर तुम वाहि एक फिर बाहरा तुम जानना एक जन्नत में और वो एक बाहिरा किस से पता है? फिर का पता है? कि एक फिर जो है वो जन्नत में जाएगा साहबाकर ने पूछा जाम तिर मेंसन कर दिया और मिर्जा जेल में पहले पेपर में हसन मान चुका है सही। और उसमें लफ्ज यह हैबी पाकर सात से जब साहबा ने पूछा वो एक कौन सा है तो आपने फरमा माही वहा पर मैं और मेरे साहबा ये जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे तरीके पर होगा और सुनना सुनोद के अंदर अल्फाज कि जमा वो जो एक फिर वो जमा जमी मुसलमानों की बड़ी जमात और इसकी तफसर जो है वो जाम तिरजी के किताबल फितन के अंदर जो हदीस है उससे भी हमें मिलती है कि जो मुसलमानों की बड़ी जमात है वही अकबर और वही नाजी और वही जन्नत में जाने वाला गुरु है फिर है फारूक रदी अल्लाह से के राबी है कि आपने मकाम जाबिया पर एक फरमाया और कहा कि मैं आज इस मकाम पे खड़े बर्शात फरमाया और वो खुतबा क्या था? आ, उसी मैं अपने सहाबा की वसीयत करता मेरे सहाबा के साथ जुड़े रहना फिर वो जो इनके साथ मेरे हुए है फिर वो जो इनके साथ मेरे हुए है और फरमा आलही कुंभिल जमाती कु जमात के साथ लाजिम उसको पकड़ना के साथ रहना और फिर जाना। आप वो जो जमात के मुकाबले में फिर और जो मुसलमानों का बड़ा फिर जमात की शक्ल में है जी जी। उसकी इतबा पैरवी और उसके साथ जो है ना वो उसको लाजिम पकड़ने का हुक्म दिया गया तो लिहाजा मिर्जा जर्मी इस हवाले से जो धोखे देता है अलहमदल मैंने उसको एक्सपोज किया हुआ पहले से लेकिन जो हमारे अवाम है लोग हैं वो उसी को पसंद करते हैं जो फिर वारियत की बात ना करे जो इतिहाद की बात करे तो कहते हैं कि सुन्नी होना मुस्... जरूरी है मुसलमान होना जरूरी है हाँ, मुसलमान होना साथ से पहले जरूरी है। जी। और होने के साथ अपने साथ सुन्नत का टाइटल इस्तेमाल करना बाकी गुमरा फिर मुकाबले में ये भी हमें हदीस से मिलता है देखिए जब हम मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हैं ना जी जी तो हम मुस्लिम हैं बाकी अदियान के मुकाबले में ने हमें मुस्लिम का टाइटल दिया और हदीस ने हमें आहल सुन का टाइटल दिया तो हम मुस्लिम हैं अपने दीन के अतबार से और सुन्नी हैं अपने अकीदे, नजरियात और अपने मसल के अतबार से चूंकि नबी पाकाम ने इस बात की भी पहले से पेश गोई फरमाई कि उम्मत के अंदर इफ्तरा को इंतार होगा फिर गुमराह पैदा होंगे उन गुमराह फिर के मुकाबले में जो मुसलमानों का बड़ा फिर जो जमात की शक्ल में है तुमने उसका दान किया है एक तो ये हदीस जो मैंने जामे कबीर से 2165 नंबर किताबुल फितन के तरह मौजूद है सही इससे अलैकुम बिलजमाअती तुम पर जमात को लाजिम पक... पकड़ना है कि जमात को लाजिम पकड़ो इससे भी जमात का सबूत मिलता है सुनने अभी दوث की जो 73 फिरको वाली हदीस है उसमें भी हील जमाअतो के अल्फाज है कि वो जो एक फिरका है वो जमात होगी

अब ये है कि वो किस तरफ जाएगा जी तो जाहिर है जब हम ये बात दलाइल की रोशनी में बता रहे हैं फिर हाक पर है और यही मात है और यही जो ग्रोह गिरो है वो निजात पाने वाला तो हम यही कहेंगे कि वह अहलुसन्नत वजमात के अंदर आएगा वरना अगर कोई शख्स कलमा पढ़ के खारजी बन जाता है या बन जाता है तो ये जो फिरकों के मुकाबले में या फिर मुखालफत करते हैं और कहते हैं ये फिरबाजी और मुसलमानों के अंदर फिरबाजी करते हैं इनसे पूछे कि यह किस नजरिए पर आए क्या वो नास्मी बन जाए क्या वो खारजी बन जाए क्या किसी नौ नौवार कलमा पढ़ने वाले का इनको खारजी पाना या नास्मी बनाना कबूल है हर किस कबूल नहीं तो हमें भी जो ना वो किसी कलमा पढ़ने वाले का किसी बिदती या इस तरह के गुमराह गुरु को कबूल करना ये कबूल नहीं है कहते जिसके पास जब वो कुरान सुनाता है वो हदीस सुनाता है हम किसकी सुने हाँ इस बात को भी समझना चाहिए कि देखें कि अहले सुन्नत का जो अकीदा और मजहब है वो ये है कि हम सबसे पहले कुरान जी कुरान के बाद नबी करीम अलैहि सअतोसलम की सुन्नत यानी कुरान की तशरी सुन्नत से और सुन्नत या हदीस की वजाहात हम सहाबा अहले बैत और उम्मत के इमामों से लेते हैं सही जो अहले सुन्नत का मनहाज है कोई शख्स ऐसा कुरान पढ़ने वाला कि जो डायरेक्ट इस माना में कुरान पढ़े, डायरेक्ट इस माना में कि वो कहे कि मैं कुरान को खुद पढ़ूंगा खुद समझूंगा मुझे सुन्नत की भी जरूरत नहीं और कुरान को लूंगा तो यकीन वो गुमरा बेदीन होगा नबी पाकमा ने एक मखसूस ऐसे फिर निशानी बयान की है कि वो कुरान पढ़ने के लेकर कुरान उनके अलग से नीचे नहीं जाएगा कि खारजी फिर

लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक नहीं होगा खबरें क्या करेंगे जे, जे. कुरान की तरफ बुलाएंगे तो क्या ये उनका कसूर है कि वो कुरान की तरफ बुलाएंगे उनका कुरान की तरफ बुलाना अपने बातिल बातिलफहम के साथ होगा वो अपने गलत और लेकर लोगों को कहें हम तो लोगों को कुरान पढ़ के नउद करने के नाम अल्लाह का इस आयत की बुनियाद पर उन्होंने कहा कि चूंकि अल्लाह के अलावा किसी हुक्म्ला कोई हाकिम नहीं है लिहाजा जो अल्लाह केलाबा किसी को हाकिम आने का मशरक है लिहाजा नऊब नऊबिया इस बुनियाद पर तो मौलानी रजी अल्लाह सही मुस्लिम है।, तो है लेकिन इसकी मुरादिल है यानी जो कुरान की आए तो पढ़ रहे हैं बिल्कुल लेकिन उसका मतलब जो ले रहे हैं वो मतलब उनका बातिल है लिहाजा मौलानी रजी अल्लाह बावजूद इसकी वो कुरान पढ़ रहे थे लेकिन उनका जो गलत मफूम था उसको कबूल नहीं किया तो हर कुरान पढ़ने वाला वो दुरुस्त नहीं है। कुरान को जब तक वो सुन्नत मुस्तफा की रोशनी में नहीं समेता अगर कुरान को वो अपनी से उसका ऐसा मफहमराद लेता है जो सुन्नत उस मफूम का साथ नहीं देती तो उसका मफूम मुराद लेना दुरुस्त नहीं होगा नहीं तिर्मिजी में हदीस भी है यही

ये तो चिश्ती रसुल्ला का दिफा करते हैं और हमें कहते हैं जी ये हमारे बुजुर्गों का है नहीं रवायत देखिए इसका मैं कई दफा तफसील के साथ जवाब दे चुका हूँ ये समझ के बहतान बहतान बोहतान बिल्कुल मिर्जा हैलमी का असल में मिर्जा जिलमी को परेशानी इस बात की है कि मैंने चूंकि ऑन कैमरा ये सारी चीजें एक्सपोज कर दी मिर्जा जिलमी की उसका सारा चूरन जो है ना वो इसी बुनियाद बुनियादे बिकता है जूठा पुरापो करता है और यहाँ तक उसने बहतान लगाया कि चिश्ती रसुल्ला बरेलवियों का बुनियादी अकीदा है नाउद अब इससे बड़ा बहुतान और क्या हो सकता है जबकि हमने अलहमदुल्ला दलाइल के साथ इसको रद्द किया कि ये इलाहा वाक्य है ये कहते हैं जी कि जनाब ये बरेलियों का बुनियादी कैदा है बुनियादी बात आला हजत इमाम महमद जखा मोहदली रहमत ने अंदर लिखा है कि जो शख्स ये कहे ना अना रसूल या फारसी में कहे मन पैगम्बर मैं पैगम्बर हूँ फरमाते इससे भी काफ्र हो जाएगा चाहे वो कहे कि मेरी मुराद ये है कि मैं पैगाम लाने वाला हूं तब भी इतना कलिमा भी कहने की इजाजत नहीं कि अना रसूलुल्लाह कहे या पैगंबर पैगम्बरम कहे यानी जो अकीदा हमारे इमाम बयान कर रहे हैं किसी शख्स को अना रसूलुल्लाह मैं अल्लाह का रसूल हूं या हूँ पैगंबर हूं फारसी में कह दे कि मैं पैगंबर हूं ये भी कहने की इजाजत नहीं वो बाद में एक्सक्यूज पेश करे कि नहीं मैं इससे मुराद मेरी ये थी कि मैं पैगाम लाने तो हैं इतना कहने से तब भी काफर हो जाएगा जब इस मसले में बेच रहे इसी बुनियादी लोगों को गुमराह कर रहा है बाकी रहनाजरा के अंदर वो दिफा कर हमने चिश्ती रसुल्ला का दिफा किया या इसको कहा कि यह पढ़ना सही है या ये कहना दुरुस्त है गलत है बकायदा लिखा जिसकी तरफ किताब मनसूब है जो उनकी तरफ माज मनसूब है और अगर कोई किताबित हो तो उसका मतलब ये नहीं कि उसका हर हरफिया हर जुमला उसका है गलत है और बिलखसूस ये जो फवादाल किताब है जिसके अंदर ये, ये, जिस ये, असर जो ना, ये जो और उसकी नस्बत को साबित नहीं माना मिर्जा ने भी कुछ दिन पहले किसी लड़के ने सवाल किया कि जब आला ने उसका रद्द कर दिया है तो फिर ये बरेलियों का अकीदा कैसे हो सकता है तो कहता नहीं जी फैदाल का आला ने रद्द नहीं किया जबकि आला भी कहानाजरा के अंदर देखिये मुनाजरा के अंदर जो पहले से तय पाया था गैर मुकल्दीन के साथ अलसनत बरेलियों का मुनाजरा था और मौजूद था गुस्ताख कौन और उसमें यह तय पाया था कि आपने हमारे यहाँ काबरीन की जिनके साथ हमारा बरेलियों का तश काम है उनकी आपने हमारे सामने इबारा पेश करनी है कुफरी और गुस्सा करना हम उन पर कुफर का फतवा लगाएंगे और जिन जिनमा की हम आपके की जी जी। पेश करें आपने अपने के ऊपर कुफर का फतवा लगाना है ये जी। अब गैर मुखलद ने मिर्जा ने मिजारा कि वहां से लिए पुस्दा इस्तेमाल करता ना उसने ये वाक्य चिश् रसुल्ला वाला बयान किया जिस किताब से बयान किया उसके अंदर जो सूरत हाल जिस अंदाज से यह वाक्य जिक्र किया गया था उस बुनियाद पर हमारे मुनाजर ने कहा क्या इस बुनियाद पर कुफर का फतवा लगता है, सर, उसूल के तक, बिल्कुल उसूल है।, है ना तक तकवीर के उसूल हैं तकवीर के उसूलों की बुनियाद पर हमने कुफर का फतवा लगाना है हमने हर किस वाक्य को डिमांड नहीं किया ना यह कहा कि वाक्य सही है या इसकी बुनियाद पर नौबला कोई अकीदा बना ले हर किसने

इंजीनियर इस मैं वही कह रहा हूँ कि ये गैर मुखलिंग वहा का खुर्दा इस्तेमाल करता है ये जाहिर है कि जब फंसते हैं ना तो फिर इस तरह की चीजें पेश करते हैं मुनादरा के अंदर ये तय पाया था कि आपने उन ऊलामा की इबारत पेश करनी जिससे हमारा बरेलवियों का तश्स कायम है ख्वाजा साहब की तरफ ये वाक्य मंसूब है वो तकरीबन आठ सौ साल पहले गुजर गए बुजुर्ग हैं ठीक है ना उनको देवबंदी भी मानते हैं बरेलवी भी मानते हैं और वहाँ ने भी उनकी तारीफें की हुई हैं

उसे कहो कि अपने बाप का अल्लाह तनासर काट के मुंह में रख ले और कहना इसको रसूल मिर्जा। मिर्जा। और कहता है कि जो इस को सही मानेगा, अपने घर कर लेगा और नासिर ने सिलसिला से सिया के अंदर सही माना और गैर मुखरदिन बात के बड़े बड़े के वाला जद पेश कर सकता हूं उन्होंने इस रिवायत को सही माना मिर्जा के नजदीक तो यह भी गुस्साखी है और कितनी अहादीस मौजू माली जो नबी करीम की नहीं है लेकिन हदीस की किताबों के अंदर आज भी मौजूद हैं लिखी हुई हैं तो निकालते क्यों नहीं बिल्कुल इसका जवाब भी मिर्जा ने खुद दिया हुआ है कि हम उनको निकाल नहीं सकते। निकाल नहीं नहीं सकते सकते भाई गुस्ताखाना है तो उसको निकालते क्यों नहीं? कहता हम निकाल नहीं सकते ये ख्यानत होती है निकाल देना इसको ख्यान समझा जाता है तो उसूली तौर पर यह होता है कि जब कोई ऐसी चीज आती है उसके फुट नोट पे ये लिख दिया जाए कि ये

वो किताबें धड़ा छापते जाते, जाते हैं है। उन किताबों की हैसियत क्या है सुन्नत के नज़ीक उन किताबों का क्या दर्जा उसको नहीं देखते फरामोश कर दे दे जाते दे हैं बातें एक अहम मसले पर हज़रत अमीर माविया रदी अल्लाह तन के बारे में मिर्जा ने जो नफरत हमारे नौजवानों में बिठा दी है वो अलमानल हफीज़ एक बहुत बड़ा एतराज़ हजरत मीरे माविया पर करता है कि हजरत मीर माविया रदी अल्लाह तन अपनी जब अमारत में थे उन्होंने सरकारी तौर पर यह हुक्मनामा जारी किया था कि अली रदी को हज़रतियाँ दी जाए बैत को गालियाँ दी जाए इस वाले से आप क्या कहते हैं बिल्कुल ये बहुत आने अज़ीम है मिर्ज़ा जैलि का मिर्ज़ा जैली के पास कोई ऐसी सनद सही के साथ कोई रिवायत जखीर हदीस के अंदर नहीं है कि जिससे ये साबित कर सके कहते हैं मीर मावी रजील्ला नाउदी सरकारी तौर पर यह जी हुक्मनामा जारी किया था कहते सई न रदी रजी अल्लाह तुन हु पर गालियाँ दी जाए बिल्कुल झूठ बहुत है अबतः ये है कि एक रिवायत का मिर्जा जिलमी सहारा लेके ये कार्रवाई करने की कोशिश करता है जो कि सही मुस्लिम के अंदर रिवायत है इस पर मैंने तफसील के साथ कार्ड का करवाया है देखिये जहां तक जो रिवायत मिर्जा जिलमी पढ़ता है ना जी जी जिसमे अजत माविया रदी अल्लाह के हवाले से है कि सात बिन अबी वकाश रदी अल्लाह ने के पास आए तो अजत माविया ने उनसे कहा कि मा मना का अंत आपको किस चीज ने रोका कि आप अबू तुराब तुराज नहीं करते तो इससे वो रिजल्ट आप अली को गालियां निकालें सबसे पहले हम देखते हैं इस रिवायत की इस्तेनादी है ये रिवायत जो है इसकी इस्तेनादी है और उससे पहले एक उसे याद रखें क्योंकि फौरन इनकी जो रगे हमीयत वो फड़क उठती है कि देखे बुखारी के अंदर या मुस्लिम के अंदर रिवायत आ चुकी है तो मुस्लिम की रिवायत को जी जी ज़ईफ कह दिया तो भाई सही बुखारी या सही मुस्लिम की रिवायत के हवाले से भी मुहद्दिसीन और उलमा ने उसूल कायम किए हैं हम सही मुस्लिम की बात कर लेते हैं सही मुस्लिम के अंदर दो तरह की रिवायात है जी। बात तफसील करूंगा तो बात लंबी मैं मुख्तसर करता हूं सही मुस्लिम के अंदर दो तरह की रिवायतें हैं एक वो रवाया मुस्लिम, ने इस तन मुस्लिम के की है। और, और शवाह में इमाम मुस्लिम रहमत जिक्र करते हैं खुद इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम के मुकदमा में जिक्र किया है कि मैं किसम अव्वल की जो रवायत अपनी किताबें लहूंगा वो उन रावियों से लाऊंगा जो हिफ के अतबार से और बाकी जो एक सिका रावी की रिक्वायरमेंट होती है उसके तबार से वो पूरे उतरेंगे लेकिन दूसरी किस्म की जो रिवायत हैं वो मैं कमजोर हाफजे वाले रावियों से या यूं कह लें कि जो कमजोर किस्म के रावी कौन से भी रिवायत ले आऊंगा अब ये जो रिवायत है ना जी। ये रिवायत इमाम मुस्लिम इसलाता नहीं लेके है बल्कि मुताबे या शवाह इसको मुताबे के तौर तो पर लेके मुताबे के तौर पर लेके हैं दूसरी किस्म के अंदर और इसके अंदर एक रावी है बकरैर बिन मिसमार जिस पर मुहदसिन का कलाम मौजूद है अलमोह में इब हजम उंद ने इसको ज़यीफ करार दिया और ये जो अल्फाज है माँ मना का अन तसुब्बा अबातुराब इन अल्फाज को बयान करने में बाकी जो हफाज हदीस की पूरी जमात है उनके मुकाबले में बकरैर मिसमार मुतफरद है ये सिर्फ बुकैर बिन मिसमार अल्फाज बयान करता है जिसमें यह कहते सात से ने कहा माँ माना कान तस्ब्बाबा तुरा कि आपको किस चीज ने रोका कि आप अबू तुराब को सब नहीं करते लिहाजा बुखैर बिन मिसमार की वजह से ये जो रिवायत है ये दर्जा सेद को नहीं, नहीं पहुंचती बिलखसूस ये अल्फाज अला सबील तनजुल हम दो मिनट के लिए इन अल्फाज को बाकी रखकर भी अगर बात करें तो तब भी इससे ये कहां साबित हो गया मुआविया ने ये कहा कि एसाद अबू तुराब को याद तली को गालियां निकालू नौ बिल्ला वो तो सवाल किया है सही मा मना का अंत सुब अब तुराब और ये क्यों किया जी। ये सवाल क्यों किया जी। वो इसलिए किया कि सात बिन अभी वकास रदी अल्लाह तुफा के गवर्नर रह चुके थे सही। और आहल कोफा मजमा और दिगर किताबों के अंदर रिवायत मौजूद है मिर्जा भी इसको हसन का मज़क़ा मानेगा कि आहल कोफा हजत सीना मौला सब करते थे अहल शाम नहीं एहल कोफा करते थे जैसे सयिना इमाम हसन मुजबा रजी तहल कोफा नहीं या मुजीन कहा था या मुसबल वजू कहा था ए मुमनों को रसवा करने वाले ए मोमिनों का चेहरा करने वाले क्यों जब अजत माविया के साथ इमाम असर मुश्तबा रदी ने सुलो कर लिया और तहकीम के बाद भी सईदना मौला अली के खिलाफ अहल खूफा खबारज ही खड़े हुए थे और इन्हीं अहल खूफा ने मौला अली रजी अल्लाह के खिलाफ जो है ना अपनी सरगर्मियां तेज कर दी तो अहल खूफा करते थे सब वो क्यों करते वाकम की वजह से इमाम हसन की जो सुलह उसकी वजह से हजरत इमाम हसन रदी अल्लाह तु की तो को जदुकोब किया गया चूंकि सात दिन वकास रदी अल्लाह वो कोफा के गवर्नर रह चुके थे हजरत मुआविया से जब मुलाकात हुई तो आपने पूछा यानी यानी कि वो अहले कोफा तो करते हैं आप क्यों नहीं करते अब इस पे मकसूद क्या था कि हजरत मुआविया के सामने हजरत सात मौला अली के कुछ फसायल बयान करेंगे और ऐसे ही हुआ हजत सा विकास रदी अल्लाह हजरत मुआविया के सामने मौला अली के फजाइल बयान किए और जो फजीलत वहाँ बयान की गई अंत हारून मूसा वाली जो हदीस है जी जी। ये इमाम अहमद की फजैल सहाबा के अंदर मौजूद है और इसके रावी हज़रत मुआविया भी हैं अगरचे सनद के ऊपर कुछ कुछ कराम है सनद कमजोर है लेकिन बहरहाल ये जो रिवायत है ये हजरत मुआविया से भी है कि हज़रत मुआविया बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु रसूल वसल्लम ने हजरत अली की ये शान बयान की है कि स्बत है जो हजरत हारून को मूसा के साथ थी तो हजरत माविया ने यह सवाल किया और दीगर दलाइल और देखें। अगर नऊद ऐसे ही होता कि हजरत माविया रजियाल्लाजत मौलाली इस तरह इस गालियां दिलवाते थे तो इमाम हसन मुजतबा रजीत अमीर मुआविया के हाथ में मुसलमानों की दिनों दुनिया के मामला को कैसे कर सकते ऐसा शख्स जी बिल्कुल जो नौ और फिर ये कोई मकसद दो, है सही बात। सहाबा का दौर है बिल्कुल सा का दौर सहाबा का दौर है ऐसे दौर में आज क्या कोई मुसलमान ये गवारा कर सकता है कि कोई शख्स बड़े से बड़ा कोई शख्स क्यों ना हो वो हजरत मोलाली के बारे में कोई अदना सी भी गुस्साखी करके दिखाए कोई मुसलमान गवारा करेगा नहीं तो के दौर में ये कैसे है। बिल्कुल। दरार दमरा का एक आहले की पांच किताबों के अंदर जिनमें से मुला बा मजलिसी की बिहार के अंदर और बहुत सारी किताबों के अंदर मैंने इसके हवाला जाए और आहल सुनंद की तीन किताबों के अंदर अल इसब के अंदर और के अंदर इमाम नाम नी ने और इसके अलावा इमामी ने अपनी किताब इसको चाहने वाले थे वो हजत मुआविया के पास आपके दरबार में आए तो दरार से हजत मुआविया ने कहा सिफ अली या दरार या दरार मेरे सामने अली के बयान करो मन बयान करो उनकी शान बयान करो तो उन्होंने कहा मुझे आप मुआफ़ी रखिए कहा नहीं आपको लता से फन ना आपको यह बयान करनी पड़ेगी तो फिर दरार बिन दमरा ने वो मौला की मनकबत पढ़ी काना वल्लाह بعید المداد شدید القوا يقول فسرا ويحكم عدلا يتفجر العلم من جوانبه وتنتقل الحكمه من نواحي पूरी पूरी लंबी सवे की एक पूरी मनकबत है उसके बाद मुल्ला बाकर मजलिसी ने नकल किया बहार अनवार में कि हजरत मुआविया की आंखों से इस कदर आंसू जारी हुए कि आपकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई और अपनी कमीज की आस्तीन के साथ इस तरह आंसू को पूछ रहे थे ला और ला कह रहे थे कि कह रहे थे अल्लाह अबुल हसन तानबाही कजाली अल्लाह अबुल हसन अली पे रहम करे अल्लाह की कसम वैसे ही थे अल्लाह की कसम वैसे थे और कहा के ए दरार अली की शहादत पर तुम्हें कितना गम है तो कहा कि जैसे एक माँ की गोद में किसी के बेटे को जबा कर दिया जाए तो मगमूम होती है मुझे मौलाली की शहादत पर इतना मौलाली की मनकबा सुन के हजत माविया रदी अल्लाशियाँ कह रही है सिर्फ इख्तलाफ जो था वह हजरत मौलानी रजिया के साथ इस बात का था कि हजत उस्मान के जो खातिन है उनको कटहरे में लाया जाए और फिर एक और जय सन के साथ रिवायत मौजूद है जिसको हाफिज इबन अजर रसकलानी ने बारी में कहा कि इसकी सनत जयद है और, और किताबों के अंदर भी है और तारीख़ इबन असाकिर के अंदर फिफ्टी नाइन नंबर जल्द है गालिबन उसका सफ़र नंबर एक सौ बत्तीस है अबू मुस्लिम खौलानी जी जी अजद मुआविया के पास आए जी और आके पूछा कि क्या आप अली से अफजल हैं अली के बराबर हैं अली से अफजल हैं तो, तो उन्होंने कहा अल्लाह की कसम नहीं मैं जानता हूँ कि अली मुझसे अफजल है क्या बात है अली मुझसे अफजल है हज़े मावियत तो उनको अफजल कह रहे हैं लेकिन आप जानते हैं कि मेरे चचा के बेटे उस्मान को शहीद कर दिया गया और मैं उनके किसास का मुतालबा कर रहा हूँ आप अली से जाके कह दें वो उस्मान के कतलिन को मेरे हवाले कर दें मैं उनकी बात कर लूँगा ये पूरा वाक्य उसके अंदर मौजूद है तो ये सारी चीज़ें भी अहमदिल्ल तम अहल महबत हैं अहल सुनतों साब कराम की महब्बतों का जिक्र और बयान करते हैं ये जो वाक़त और मुशाजरत उनके हुए हैं है कि आल सन्नत का जो जमहूर का फैसला वो यही है कि मौला अली इन के अंदर हक पर थे सही। इन जंगों के अंदर मुकाबला के अंदर अजरत मुआविया या हूं यादी उनसे इजत्यादी खिताब आज गालियों वाला मामला है ये बिल्कुल मिर्जा की तरफ से आन है और फिर ने इसकी तशरी और तोजी भी की है अला सबी तनजुल अगर इसको दो मिनट के लिए हम तस्लीम कर लेते हैं माँ माना का बात रा

तो यहां सब का माना गाली नहीं फिर सही बुखारी सही मुस्लिम के अंदर वाक्य मौजूद है सही बुखारी के अंदर भी सही मुस्लिम के अंदर भी कि सईदना अब्बास रजी अल्लाह तयदना मौलाली रजी अल्लाह तुम दोनों की आपस में कोई रंजिश हुई ज़ारा चचा ज दी जाते तो एक दूसरे को सब किया अब क्या माना करेंगे गालियाँ निकाली नौ मौला अली के बारे में ये रिवायत है कि जिसने अली को सब किया उसने मुझे सब किया अब्बास के बारे में भी है कि जिसने अब्बास को सब किया उसने मुझे सब किया तो और बड़ा मुबारक मौ, मौकफ है कि अल इम्सा को अम्मा शाजरा बहना हूं साहब आपस में उनकी जो मुशाजरात हुए उसमें अपनी जबानों को बंद रखा जाए मज़ूर पाक शेख अब्दुल्क जलानी रहमत गनीबिन की पहली जल्स एक सौ तिरसठ पर लिखते हैं वाहनति अला वजू बिलकफ़ी अम्मा शाजरा बैन हूँ क्या सुन्नत इस बात पर मुतफ़ है कि साहबा के आपस में मुशाजरात के बारे में ज़बान को रोक लिया जाए वम्सा वल की वल्सा की अम हैं और उनकी बुराई बयान करने से अपने आप को रोका जाए जबान को रोका जाए व इजहार फबाई व महासे और उनके फजाइल और उनकी खूबियों और उनके महासिन का जिक्र किया जाए यही का बहुत महतात भी मुबारक भी प्यारा मौकफ़ है इन खामोशी अख्तियार की जाए बिल्कुल बंदा ना इस तरफ गिरेगा ना इस तरफ गिरेगा बिल्कुल अच्छा आपके नज़दीक मिर्जा का जो इलमी लेवल है वो कितना है उसूल इलम के ओसूल हदीस के वाले से और फ़िका के वाले से जो भी मामलात हैं देखें जहाँ तक उसकी बुनियादी मालूम का ताल्लुक जाहरा है कि हमारा

इंटरनेट से जो भी दिकल करता, दिकल। करता दिकल। है विकीपीडिया गूगल वो तो इनकार तो सबका कर जाता है ना और बाकी है कि उसकी जो मालूम का जरिया है वो ऐसे दाएँ बाएँ से लेता है अगर उसने हनफियों के खिलाफ बात करनी होती है तो वहा मौलवी हाफिज़ ज़ुबैर ने जो कुछ हनफियों के खिलाफ पूरी ज़िंदगी लिखा है वहाँ से वो ले लेता है अगर उसने सूफिया के ख़िलाफ़ बोलना होता है तो गांदी ने जो कुछ किया है वहाँ से ले लेता है अगर उसने मीरा माविया और दिगर साहबा के ख़िलाफ़ जो कुछ करना होता है उस हवाले से जो सारे सारी जी जी जी। कमाई है ना वो बाबा साग फैसला आबादी वहाँ से ले लेंगे तो इस तरीके से चरबा हजूर बातें एक अहम हॉट टॉपिक पर जी जी कि डॉक्टर इकबाल के हवाले से आपका जो नज़रिया है वो एक मुनफरद हमारी सोसाइटी के वाले से मुनफरद जाना जाता है तो आप क्या इसमें दूसरे भी शख्सियात का वाला दे सकते हैं जो हमारे अकाबिर हैं कि जो इसमें आपके साथ आप जिनका हवाला दे सकते हैं या आप सिर्फ़ फ़र्द वादे हैं देखिए जहाँ तक डॉक्टर इकबाल के नज़रियात और देखिए जहाँ तक डॉक्टर इकबाल के या नज़रियात की बात है जी और डॉक्टर इकबाल के कायद नज़रियात पर तनकीद की बात है जी तो ये कहना कि मैं इसमें मेरा मौक़ मुनफरद है ये तो बात दुरुस्त नहीं है क्योंकि हमारे अकाबर ओलामा ने डॉक्टर इकबाल के जो नजरियात हैं उनकी बुनियाद के ऊपर फतावा जा दिए बायदा और उनके जो नज़रियात हैं उनका रद्द किया है जिनमें से आला हजरत इमाम अलसूनत रहमत तहज़ादे हज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद मौलाना मुस्फ़र ज़ाखान साहब रम्ह के फतवा मुफ्ती आज़म के अंदर उनका बाकायदा फतवा मौजूद है हज़ूर ताज मुफ्ती अख्तर जाब रहमतुल्ल ततवा फ़तवा ताज के अंदर मौजूद है इसके अलावा मौलाना मुफ्ती तय्यब साहब सिद्दीकी रहमा उनकी तजानबहल सुनत के अंदर बायदादा डॉक्टर इकबाल के नजरियात कर मौजूद है और ये जो तजानब अहल सुनत ये किताब असल में इमला करवाइया शे बनत मौलाना हशमत अली साहब लखनऊ रहमत ने आलाज रहा के खलीफ़ा मौलाना सैयद दीदार अली शाह साहब मुहदस अलवरी रहमत उनका भी फतवा डॉक्टर इकबाल के नजरियात के हवाले से मौजूद है ामा गुलाम रसूल सईदी सब की तबियन उठाकर देख लें सही उन उन्हें तिबीआन के अंदर जिल्द नंबर नौ के अंदर डाक्टर इकबाल के बहुत सारे इशार के ऊपर हुक्म शरी बयान किया है तो है कि जो डाटर इकबाल के गलत नजरियात हैं उन पर तनकीदमा ने की है मैं इसमें अकेला मुनफरद नहीं हूँ और बहुत सारी चीज़ें डाक्टर इकबाल की ऐसी हैं कि जमारे बाला तक नहीं पहुँची मसला इस्मेल को रहमत के इबन अब्दुल्लाबन को मजदद करार देना अशरफ अली थानवी को कहना कि मैं अशरफ अली थानवी का मकल दूँ और इसी तरह इबन तैमिया की तारीफें करना इबन अब्दुल्ला नईदी की तारीफ़ें करना हिंदुओं सिखों ईसाइयों तक तारीफे की तारीफें की डॉक्टर इकबाल ने मलका विक्टोरिया के मरने पर एक सौ दस एक सौ दस शेरों का मरसे लिखा है ए हिंद तेरे सर से उठा साया खुदा एक गम वसा तेरे मकीनों की थी चली गई उठी है मैयत शाह की तजीम के लिए इकबाल उड़कर सरे राहगुजार हो तो गुरु नानक की शान पूरी नजम है इकबाल की कुलियत इकबाल के अंदर ना, नानक के नाम से और उसमें लिखा कि फिर उठी सदा तो की पंजाब से हिंद को एक मरद कामिल ने जगाया खाब से आतश कदा बादे मुद्दत के मगर रोशन हुआ नूरे आ, नूरे इब्राहिम से आजर का का रोशन हुआ ये गुरु नानक की तारीफ है सर सैद की तारीफ़ है पूरी नजम सैद की लोहे तुरबत गुरु नानक की तारीफ और मलका विक्टोरिया की तारीफ हती के डॉक्टर इकबाल ने एक रसाला लिखा था नजरिया तोहदे मतलक और शेख अब्दुल करीम अल जीली उसमें यह लिखा कि हिंदुस्तान में इस वक्त मुसलमानों में सबसे बड़ा इस्लामी व मिर्जा गुलाम अहमद कादयानी किताब मौजूद छपी हुई आप देख सकते हैं मिलत बैदा पर एक उमरानी नजर यह डाक्टर इकबाल की किताब बजम इकबाल से छपी है उसके अंदर लिखा कि इस्लामी सीरत का ठेठ नमूना उस जमात की सूरत में ज़ाहर हुआ जिसको फिरका कादयानी कहते हैं तो इनका तो जो रदबी तो ये ये चीज़ें वो जो आम आमा तक नहीं पहुँची तो जहा है कि इन चीज़ों की बुनियाद परमा ने उन पर तनकीद की है और उनके नज़रियात को कर रद्द किया है उन कादियानियों के बारे में भी आखिरी उम्र के अंदर वो जो मिलता है मारूफ के कादियानी इस्लाम के भी और वतन के भी गद्दार हैं अब ये देखे ये जो बयान है ना जी ये बयान किस तनाजुर में है जी ये किस तनाजर में बयान दिया गया है उनके साथ जब इख्त हुए जैसे दिवबंदियों के साथलाफा हुसैन मदनी के साथ नजरिया वतनीत के ऊपर इख्तलाफ हुआ तो हुसैन मदनी के रद्द में जो अशार डॉक्टर इकबाल क्या पढ़े जाते हैं तो वो शेर लिखे तो ये जब सियासी अख्तलाफ पेश आया ना ये जो कश्मीर कमेटी और पंजाब कौंसिल की सिदार्त वगैरह का मसला तो तब ये सारी चीज़ें उन उनकादानियों के हवाले से जो मकसद के नजरिया बतनीत में डाटर इकबाल के हरीफ थे उनके हवाले से ये चीज़ें हुई हैं वरना डॉक्टर इकबाल के जो बड़े भाई थे शेख अता मोहम्मद जी शेख अता मोहम्मद की तारीफ़ें की हैं है? बकायदा डॉक्टर इकबाल ने वो मेरा यूसुफ सानी वो शम महफिल इश्क हुई है जिससे करारे जा को और ये शेख अता मोहम्मद मिर्जा गुलाम कादनी का पक्का मुरीद था मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को रूहानी खजान जो उसकी जिल्द नंबर ग्यारह के अंदर तीन सौ तेरह मुखलसिन का जहाँ जिक्र है डाक्टर इकबाल के बड़े भाई का भी जिक्र है ख़ुद डाक्टर इकबाल ने बयान किया कि मेरे वालद की दुकान पर शेख इबन अरबी की फसूसली कम पढ़ी जाया करती थी और शेख अब, अब्दुल करीम कादयानी पढ़ा करते थे और मिर्जा गुलाम कादयानी सोबत में शरीक हुआ करते थे बड़ा भाई का जो बती बेटा था शेख एजाज कादयानीानी वो मरते दम तक डाक्टर इकबाल साहब के साथ रहा वसीयतना पक्का था मजलूम तो हमारे बड़े बड़े जो कराम है मुफ्तिया निज़ाम है जो शेखुल अहदीस है वो तो अशार पढ़ते हैं और आशके रसूल बस हो सकता है कि उन तक ये चीजें ना पहुंची हूँ यजुर अब मैं आता हूँ एक मसले की तरफ जो कि आपका पिछले दिनों काफ़ी डिस्कस हुआ था जलाली साहब के हवाले से कि जलाली साहब से जो आप इख्तलाफ़ रखते हैं आप कहते हैं कि वो असल रजवी नहीं है हालांकि कहा जाता है कि जो वो सनत देंगे जिसके बारे में रजवी होने की वही मानी जाएंगी बस कुछ मुबालक होते हैं आपने कुछ मेरे हवाले से भी कोई बात जो की है मैं ज़ाहिर मैं उसी बात का पाबंद हूँ और बिल्कुल ज़िम्मेदार हूँ जो मैंने अपनी जबान से कही हुई है बाकी ये तहफात मैंने उनके हवाले से पेश किए हैं और वो तो रिकॉर्ड में भी आ चुके हैं और है कि इतना तो एक खात्मे दीन होने की से हसीफ का हक तो में है ना कि जो बात हम देखेंगे ये बात अकीदे और नजरिए के मुताबिक फिट नहीं बैठती हम उसका बरमला इजहार करें कि ये चीज़ हमारे नजरियात और अकायद के मुताबिक फिक्रजा के मुताबिक नहीं है चूंकि डॉक्टर साहब फिक्रजा की बात करते हैं और बाकायदा उनका ऐलान है कि मैं अगर फिक्र रजा से एक इंची का करोड़वा हिस्सा भी हटूं तो आप फिर वो जो जुमले बोले मैं तो भी 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 बोलता हूँ मुझे फांसी दे, दे दें इस तरह की बात की है बहरहाल लेकिन ये कि हम कहते हैं कि हम अगली बात नहीं करते इतना जरूर है कि हम इतरा फिर जरूर करेंगे कि ये ये चीज़ें आपकी फिक्र रजा के मुताबिक नहीं है अब बस डाटर इकबाल का मसए लेने सही। इन सारी चीज़ों के बावजूद के डॉक्टर इकबाल के नज़रियात अकायद वो ऑन द रिकॉर्ड किताबों के अंदर मौजूद हैं इसमल देलवी की तरीफ़ें इब्री तामिया की तरीफ़ें इब्रैन अब्दुल्लाइी की तरीफ़ें अशरफ अली थानवी की तरीफ़ें मिर्ज़ा गुलाम कादनी की तरीफ़ें ठीक है अच्छी सिलसिले में मेरे मीटिंग में हमारी हुई वहाँ जौहर टाउन फिज़ान मदीना के अंदर ओलमा की मौजूदगी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी ये पूरी रिकॉर्डिंग जो ग्यारह मिनट की थी वहाँ मुफ्ती ने कराम ने सुनी और सुनने के बाद ये फ़ैसला दिया कि डॉक्टर साहब की जो स्टेटमेंट है ना ग्यारह मिनट के अंदर ये वाजबोली इजाला है यानी उन पर वाजिब है कि वो इसका इजाला करें डॉक्टर साहब के वकील की तरफ़ से ये कहा गया कि डॉक्टर साहब ने इसका इजाला कर दिया है अपने फ़िक्र रजा सेमिनार के अंदर मुफ्ती साहब ने कहा जो फ़िक्र रजा सेमिनार कहाँ है उनके सामने वो सेमिनार निकाला गया उन्होंने सुना वहाँ सुनने के बाद ये कहा कि इस फिक्र रजा सेमिनार के बाद भी वाजिब उजाला थी और वाजबल है तो फिर उसके बाद और की इस पर राय भी आई ने इसके ऊपर बाकायदा मजामी लिखे अपनी राय का ज़हार किया कि नहीं ये जो डॉक्टर साहब की स्टेटमेंट है ये वाजिब अलाजाला है तो ये चंद चीज़ें थी जो मैंने अपने तहफुजा का इजहार किया इसीलिए कि चलें ये जो इख्लाफा हैं ये ख़त्म हो जाएँ और मामला वो जाएँ लेकिन फिलहाल अभी सुलझने की तरफ नहीं आ रहे और भी कुछ चंद चीज़ें थी और जब ये सिलसिला चला तो उस वक्त एक बात कही जा रही थी कि ये जो सारे मामला थे अगर ये आवाम में ना लाए जाते तो बेहतर थे तो, तो भई मैंने तो यही चाह ना कि नहीं के अंदर ना लाए जाए और कितनी मरतबा कोशिश की है कितनी मरतबा मुख्तलिफ़राए से कि इसको आपस में बैठ के हाल कर लिया जाए लेकिन नहीं कोई मौका नहीं दिया गया नहीं वो तो आप पर कहते हैं कि आप अब में लेकर आए नहीं भाई ये तो जब डॉक्टर साहब की तरफ से समझे कि हमें ये आई है ना पैगाम उनकी तरफ से बंदों के थ्रू जी तो फिर हमने उसको ओपन किया ये तो तकरीबन दस साल से मसला चल रहा है न दस साल से चल रहा है चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे ये करता हूँ कि मिर्जा मुहमद इंजीनियर आपको मुनाजिर की दावत दे तो आप कबूल करेंगे मैंने तो कबूल की हुई है भाई पहले से आपको पता है पिछले दिनों जब रबानी और जी 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 ये जो सारे मुनादरा चलता रहा मुनाजरे का मसला तो उस वक्त तो मैंने ऑन कैमरा मसलामरा भाई जो चौबीस घंटे तैयार हूँ मिर्जा जैलमी के साथ बात करने के लिए आप उसको पहले रजामंद करें आप भी उनको उसको देते हैं दावत दावतना की मैं तो तैयार हूँ ना अगर वो किसी बात पर बैठने के लिए तैयार है मैं उसके साथ बैठने के लिए तैयार हूँ अच्छा एक बात मेरे जेहन में है कि अगर वो कहता है कि मुफ्ती मुनीबी रहमान साहब मेरे पास मेरे सामने बैठे हैं या मेरे पास आए तो क्या आप ये समझते हैं कि मुफ्ती साहब को ये डिसीजन लेना ले लेना चाहिए उम्मत की खातिर या ये मुफ्ती साहब ही बेहतर समझते हैं कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए हाँ लेकिन हर बंदे के नहीं हर बंदे के अपने मामलात होते हैं उसने अपने मामलों को ले चलना होता है देखना होता है वो किस जगह पर खड़ा है और उसको कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश हैं अपने मनसब के हिसाब से और ज़ाहरा के मुल्क के कवानी और मुल्क के जो का माहौल है उसके मुताबिक उसने देखना होता है कि मैं आ, कुछ स्टेटमेंट देता हूँ तो ज़हरा कि एक, एक बंदा वो होता है कि जो एक खास माहौल और फील्ड का है एक बंदा वो जो इंटरनेशनल सतह का बंदा है तो उसको सारी चीज़ें देख के फैसला करना पड़ता है कोई पैगाम देना चाहिए पैगाम यही देना चाहता हूँ कि ये फितने का दौर है अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए बद मजहबों की सोबत से बचा जाए क्योंकि सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त सिर्फ जो ना वो गुमराह फ़िरकों की तरफ से नहीं बल्कि जो बिल्कुल खुले इस्लाम के मुखालफ उनकी तरफ से भी इस कदर यलगार है इस कदर फितनों का दौर है प्रापोगंडा है कि इस फितन दौर में हमारे नौजवानों को अपना ईमान बचाना नहायत मुश्किल है बिल्कुल अगर इस जेन के साथ बंदा चलता रहे कि नहीं सुने सबकी मर्जी अपनी करें तो ये जो एथियस्ट हो रहे हैं नौजवान डायरी हो रहे हैं ये किस बुनियाद पर हो रहे हैं इसी बुनियाद पर सुनते हैं और सुनने के बाद फिर जिसकी सुनते हैं उसी के होकर रह जाते हैं एक हदीस सुर बिदौत के अंदर है मैं वही समझे पैगाम बना के आपके सामने बताना चाहता हूँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दज्जाल ज़ाहिर हो तो तुम उससे दूर भागो यानी उसके पास नहीं जाना उसकी बात नहीं सुननी उस जात की कसम जिसके दस्य कुदरत में मेरी जान है एक शख्स वो होगा वाह यहाँ से वो अन्ना वो ये गुमान करेगा कि मैं तो मोमिन हूं यानी मैं मुमिन हूं मुझे क्या होने लगा है? मैं बात तो सुनू जाके दज्जाल क्या कहता है फिर वो दज्जाल के पास जाएगा और दज्जाल के उठाए हुए शुबहात का शिकार हो जाएगा उसका पैरोकार बन जाएगा अब दज्जाल के काफिर होने में कोई शक् व शुबा नहीं है लेकिन वो अपने आप को मोमिन कहने वाला जब दज्जाल की जाकर वास होनेगा तो नतीजा क्या निकलेगा सही बात है उसका पैरोकार बन जाएगा तो इस तरह छोटे छोटे बहुत सारे दज्जालीन हैं जो मुसलमानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं उनसे अपना ईमान बचाना है तो यही तरीका है कि किसी ऐसे दज्जाल की बात नहीं सुनी सुने जाए जो हक हैं रब्बानी हैं है, अपना अकीदा और अमल सही रख के जो चल रहे हैं उनकी बात सुनी जाए और अपने दीन के मामलत को जो ना वो लेके चला जाओ और ताकि उसमें दुनिया भी बेहतर रहे और आखिरत भी बेहतर हो चलिए शुक्रिया मुफ्ती साहब आपका आपने आज वक़्त दिया जजाक नाजन ने अपना बहुत सारा ख्याल रखिए हमारे इस चैनल का भी अल्लाह हाफिज़